बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे सामने, इसको कराता हूँ, इसके साथ एक और क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको लगेगा बाद में आप वर्बली कर सकते हो, ठीक है। मैं बड़े आराम से सिखाऊंगा। देखिए हमारे को दे दिया है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, हमें डायमेंशन दे दिया 5 10 5 10 5 10 5 10। क्वेश्चन कराने से पहले स्टूडेंट्स मेरे को बस आपको दो बातें बतानी है। पहली बात ये, मान लो कभी भी ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, इसके बीच में मैंने एक पैरल साइड बना दी ऐसे करके, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ी बड़ी फिगर बना रहा हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, इसके बीच में मैंने ऐसे एक बड़ी फिगर बना दी। तो अब इस वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, देखो सपोज कर लो इसकी साइड है एक्स और इसकी साइड है वाई, क्लियर है। ये साइड कितनी है वाई, या मैं कहता हूँ ये पूरी वाई है और ये इतना हिस्सा एक्स है, यहां से लेकर यहां तक एक्स है और ये पूरा क्या है वाई है, ये चीज है, ये हिस्सा एक्स ये हिस्सा वाई। तो इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये पहली चीज। अगर ये छोटे ट्राइंगल की साइड है एक्स और बड़े ट्राइंगल की साइड है वाई, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, बड़े ट्राइंगल का एरिया होगा वाई स्क्वायर, ये चीज समझ आई हमें, आ गई। अब ठीक है, ये लाइन है पैरेलल अगर, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये क्या, फिर इसको बताते क्वेश्चन इस पर खराब करा दूं एक घंटे। ये क्या होता है, ये एक स्क्वायर है, मान लो रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी मान लो, ठीक है, इसका एरिया क्या है ए, पहली चीज। अब मान लो मैंने इसके ऐसे दो तीन टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो इन तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, ये तीन बराबर टुकड़े हैं, और इसका एरिया भी ए बाई थ्री, इसका एरिया भी ए बाई थ्री, इसका एरिया भी ए बाई थ्री, ये सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। अब तो सबका एरिया ए बाई थ्री हो गया, ये एरिया ए बाई थ्री है। अगर मैंने इसको ऐसे बीच में एक ट्राइंगल एक डायगोनल बना दी, उसका एरिया हाफ ऑफ हो जाएगा, मतलब ये एरिया भी क्या होगा ए बाई सिक्स, ये एरिया भी क्या होगा ए बाई सिक्स। बस ये मुझे दो बेसिक बातें बता दी, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहीं पर आते हैं स्टूडेंट, देखो ये रेशियो क्या है 5 और यहां से लेकर क्या है 15। मैं बात करता हूँ किस ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, ये बड़ा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में बीच में ये एक लाइन बनाई है जो इसके पास में है, तो ये है 5 ये है 15, तो रेशियो क्या हो गया 1:3, ये रेशियो क्या हो गया 1:3, तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया 1 का स्क्वायर, इसका एरिया हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। तो मतलब अगर ये 1 है और ये पूरा 9 है, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 8। अब ये 1 ये हो गया 8, सेम यही चीज यहां पर, ये दोनों पैरेलल है, ये 5 है ये 15 है, इनका रेशियो क्या हो गया 1:8, ये रेशियो क्या हो गया 1:8, ये रेशियो क्या हो गया 1:8। सुनिए से भाई 5 और 15 ही है, तो 1:8 1:8 सबका सेम ही रहेगा, ये 1:8 1:8 1:8, यहां तक सबको क्लियर। अब मैंने आपको अगली चीज क्या बताई स्टूडेंट, देखो अब मैंने आपको अगली चीज ये बताई कि ये मेरा जैसे करके एक स्क्वायर था, ऐसे करके ये 15 15 15 15 15, ये सारा स्क्वायर था मेरा, इसके अगर मैंने ऐसे टुकड़े करे, देखो ये वाला ये टुकड़े कर दिए मैंने, इसके ये तीन टुकड़े करे ना, जैसे स्क्वायर के भी देखे इधर भी करे हैं, जो ये वाला पीस है, तो जो मेरा यहाँ वाला हिस्सा है स्टूडेंट्स, इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर के एरिया के मुकाबले ए बाई सिक्स, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ए बाई सिक्स, यहां तक सब जगह को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा ए बाई सिक्स। अब यार ये ए बाई सिक्स कितने पार्ट के बराबर है, देखो पहले तो मैं सीधा सीधा यही बोलता हूँ, ये ए बाई सिक्स है और ये ए बाई सिक्स कितने पार्ट के बराबर है, 10 पार्ट के बराबर है। कैसे 10 पार्ट के बराबर है, 1 8 और 1 1 और 8 और 1 कितने हो गए, ये हो गए 10 पार्ट, ये चीज क्लियर है, 1 8 1 कितने हो गए 10 पार्ट। अब एरिया कितना स्टूडेंट्स, एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है, एरिया निकालना बहुत आसान है, क्यों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया 225। स्टूडेंट आप ध्यान देना, चूकना मत, 225 बाई 6 किसके बराबर है, 10 पार्ट के बराबर है, ठीक है। तो स्क्वायर का ये 10 पार्ट है 225 बाई 6, हम एक काम करेंगे, हमारे पास टोटल कितने पार्ट चाहिए हमें, देखो 1 और 9 1 और 9 1 और 9 1 और 9, हमें टोटल 36 पार्ट चाहिए। अगर 10 पार्ट इतने हो गए, तो 1 पार्ट कितना हो गया 225 बाई 6 × 10, ठीक है, ये हो गया 1 पार्ट। हमें चाहिए कितने पार्ट, हमें चाहिए 36 पार्ट, तो 36 पार्ट कितने हो गए,
ये 36 पार्ट हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 36 से, ठीक है, जो कटता है काट दो, 6 से 36 कटा 6 आया, ठीक है, इसको काटा 2 से काटा, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 5, 5 से 225 कटा क्या आ गया 45, तो ये 36 पार्ट, जैसे ही मेरा 36 पार्ट निकल आएगा ना मेरा काम बन जाएगा, ये 36 पार्ट कितने हो गए 3 × 45, लिखने की जगह है ना, है 36 पार्ट्स हो गए 3 × 45, 3 × 45 कितना होगा 135, तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये 135 आया, ये 135 आ गया कौन सा नॉन शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया हो जाएगा 225 − 135 यानी 90, 90 cm² इसका एरिया आ गया स्टूडेंट्स, समझ आया सभी को। ये हमने क्या निकाला, हमने नॉन शेडेड पार्ट निकाले, नॉन शेडेड पार्ट कितने हैं 36 पार्ट, हमने ये निकाल लिया 10 पार्ट किसके बराबर है, 10 पार्ट 225 के बराबर है, 225 / 6 के, 36 पार्ट कितने होंगे, जो नॉन शेडेड पार्ट है वो है 36 पार्ट, तो नॉन शेडेड एरिया है 36 पार्ट, वो 36 पार्ट हो गया 3 × 45, 135 पूरे स्क्वायर का एरिया 225, 225 में से मैंने ये 135 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, लिखने की जगह यहाँ लिखना, मतलब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 135 आ गया, ठीक है, तो 225 में से नॉन शेडेड पार्ट 135 माइनस करो तो 90 आ गया, 90 क्या है ये वाला पार्ट, सो एकदम सेम इसके जैसा क्वेश्चन और कराता हूँ जो थोड़ा सा अलग है बस,